बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जनाब। आज हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लारवल 6 को यूज़ करेंगे और एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ई कॉमर्स का। उसके अंदर प्रोडक्ट जो जनरेट होगी, उसके अंदर QR कोड होगा, उसकी इमेजेस होंगे, उसकी बाकी डिटेल होगी। ये प्रोजेक्ट जो है बाकी प्रोजेक्ट से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं इन्फोइम लैब को यूज़ करते हुए बैकएंड का बनाऊंगा लेआउट, और Vue.js को भी इंटीग्रेट करूंगा और React.js को भी इंटीग्रेट करूंगा। अब इसके अंदर React.js जो है वो इंटीग्रेट आम जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं वैसे नहीं होना। इसके अंदर हम क्या उसको कहते हैं क्रॉस ओरिजिन देखेंगे कि लार्वल और डायरेक्टरी में है और रिएक्ट और डायरेक्टरी में है, और लोकल आपके होस्ट के ऊपर ये कैसे एक्सेस करता है इन चीज़ों को। इस प्रोजेक्ट के अंदर जनाब हम लार्वल 6 के अंदर बैकएंड बनाएंगे। उस बैकएंड का लेआउट जो है इन्फोइम लैब को यूज़ करते हुए मैं एडमिन LTE में आपको बना के दिखाऊंगा कि एडमिन LTE के अंदर आप डेटाबेस का लेआउट कैसे देखते हैं, क्रूड एप्लीकेशन पूरी कैसे बनाते हैं, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को देख सकें, उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड कर सकें, फिर व्यू को यूज़ करते हुए Vue.js को यूज़ करते हुए API जनरेट करने का इंटरफेस बनाएंगे जिसके अंदर पासवर्ड जनरेट होगा, क्लाइंट टोकन और उसकी एक्सेस सारी जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। फिर उसके बाद जनाब फ्रंट एंड जो इसका बनेगा वो React.js के अंदर बनेगा और क्रॉस ओरिजिन होगा React.js, जो कि API एक्सेस करेगा इसकी लार्वल की, और फ्रंट एंड पे हमें ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट्स दिखाएगा शॉपिंग करने के लिए। इस सीरीज़ के दौरान आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। इस सीरीज़ में जनाब लार्वल एक्स के 6.x के नए फीचर्स देखेंगे, ई कॉमर्स एडमिन जो है बिल्ड करना सीखेंगे 10 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद प्रोडक्ट्स जनरेट करना सीखेंगे विद इमेजेस एंड QR कोड्स, और फिर Vue.js का सीखेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी इंटरफेस पूरा कैसे लार्वल के अंदर इंटीग्रेट होता है, ताकि आप पूरा जो है ना वो उसको क्लाइंट को जनरेट कर सकें, उसकी की, उसका टोकन, और गूगल क्या होते हैं, गूगल को यूज़ करते हुए आप कैसे API जनरेट करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, और React.js को यूज़ करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि गेट करेगी API को और हमें प्रोडक्ट दिखाएगी फ्रंट एंड, एज ए फ्रंट एंड हम उसको यूज़ करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, वैम, जैम या मैम, ताकि हम इस लार्वल इंटरफेस को जनरेट कर सकें। तो शुक्रिया जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखते रहें, अपने कमेंट्स दें, तो चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। हम आप लोगों के लिए बड़े प्रोफेशनल्स ट्यूटोरियल लेके आएंगे। मैं हूं बाबर हुसैन, मैं हूं अपवर्क फ्रीलांसर, तो हम एज ए फ्रीलांसर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस सीरीज़ के दौरान। तो उम्मीद है जी आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।